अगर आप अपने लिए एक थिन एंड लाइट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इंटेल ने रिसेंटली ही 11 जनरेशन के प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं जो कि स्पेसिफिकली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या डिफरेंट है उनकी प्रीवियस जनरेशन से, और कंपैरिजन भी करेंगे AMD के 4000 सीरीज के प्रोसेसर्स के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश गोयल और आप देख रहे हैं ऑनेस्टी टेक्निकल चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आएंगे। मैं इस चैनल पे इस टाइप के ही टेक्निकल वीडियोस डालता रहता हूँ, गैजेट्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन रिलेटेड। इंटेल ने रिसेंटली ही 11 जनरेशन के प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं जो कि थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन हैं, और इनका जो कोड नेम है वो टाइगर लेक कहा गया है इंटेल की तरफ से। तो जो इनका नेमिंग कन्वेंशन है वो बहुत मुझे वियर्ड लगता है, बट एनीवेज अगर हम टेक्निकल डिटेल्स पे जाएं इसमें, तो इन्होंने इस बार जो इंट्रोड्यूस की है नई चीज़, एक तो इन्होंने 10 नैनोमीटर की सुपरफिन टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज़ किया है। तो इससे 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो गेट लेंथ है वो कम हो जाती है, आप जो ड्राइव वोल्टेज है वो कम हो जाती है, तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन कम हो जाती है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और साथ में आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को लेवरेज करते हुए इंटेल ने क्या किया है, जो कोर की फ्रिक्वेंसीज हैं, जो बेस फ्रिक्वेंसीज हैं इन्होंने अपने प्रोसेसर्स की, वो काफ़ी एनहांस कर दिए, इंक्रीज कर दिए, जिससे कि जो एफिशिएंसी है प्रोसेसर की, जो स्पीड है, पावर है सिंगल थ्रेड की स्पेसिफिकली, वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो दो टाइप के इन्होंने प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, एक UP3 और UP4। तो UP3 का मतलब ये है कि जो इसमें जो ऑपरेटिंग रेंज है, पावर रेंज है, वो 12 से 28 वाट का है, तो थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है UP4 के कंपैरिजन में। तो UP4 के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 7 से 15 वाट, तो ये और अल्ट्रा लो पावर के अंदर में चला जाता है। तो इसी वजह से जो मेमोरी है वो आप देखेंगे कि जो UP4 के अंदर में वो LPDDR4X रैम है, जो LPDDR4X रैम होती है वो यूजुअली मोबाइल्स में भी यूज़ होती है, तो आप देख सकते हैं इसीलिए ये काफ़ी लो पावर में चला जाता है। UP3 के अंदर में दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, फुल फ्लेज्ड DDR4 रैम का भी ऑप्शन है और साथ ही में LPDDR4X रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर हम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पे जो इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कह सकते हैं इंटेल की तरफ से, वो है i7-1185G7। अब इन्होंने जो कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर दिया इंटेल ने, क्योंकि यहाँ पे G7 एक तरफ आप 96 ग्राफिक्स एग्जीक्यूशन यूनिट्स को भी कह रहे हैं, और अगर आप 1135 में देखेंगे तो वहाँ भी आपने G7 लिखा है, लेकिन वहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट्स जो है वो 80 ही हैं। तो मतलब आप G7 कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट्स 96 भी हो सकती हैं और 80 भी हो सकती हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है मेरे को। और साथ ही में अगर आप कोर्स और थ्रेड्स को देखेंगे तो i3 के अंदर में भी 4 कोर हैं, i5 में भी 4 कोर हैं, i7 में भी 4 कोर हैं। तो जो पहले एक डिस्टिंक्शन होता था कि भाई i3 में 2 हैं या डुअल कोर है या और जैसे i5 में 4 कोर होते हैं या i7 के अंदर 4 या 6 कोर होते हैं, वो डिस्टिंक्शन एकदम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ क्लॉक स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की होगी। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन सा प्रोसेसर UP3 और कौन सा UP4 कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो अगर आप लास्ट डिजिट देखेंगे G7 या G4 से पहले, तो अगर वो 5 सीरीज का है तो वो UP3 प्रोसेसर है, अगर वो 0 है तो वो UP4 है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे पता है नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया है, लेकिन अब जैसा भी इंटेल ने इसके अंदर में बताया, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। साथ ही में इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो बेस वेरिएंट है UP3 का, वो है i3-1115G4। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि कोर्स 2 हैं, ये डुअल कोर प्रोसेसर है और 4 थ्रेड हैं। तो इसके अंदर जो बेस फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, इसके अंदर में आपको 3 GHz की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब जो ये बेस फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये 28 वॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि 28 वॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, पर जनरली जो हमारा लैपटॉप वो वर्क करेगा वो 15 वॉट के आसपास वर्क करेगा, तो उस समय फ्रीक्वेंसी 3 GHz की नहीं होगी, वो हो सकता है 2 GHz या 1.5 GHz इसके आसपास वर्क करेगी। इसी तरह अगर हम टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट को देखेंगे तो इसके अंदर में भी 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स हैं, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बेस फ्रीक्वेंसी वो 3 GHz की है, टर्बो फ्रीक्वेंसी सिंगल कोर की चली जाती है 4.8 GHz तक, और अगर ऑल कोर टर्बो देखेंगे हम तो 4.3 GHz तक चला जाता है। साथ ही में जो यहाँ पे ग्राफिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है 1.35 GHz तक। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ओवरऑल सिंगल कोर की परफॉर्मेंस है इस
प्रोसेसर की वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, साथ ही साथ ग्राफिक्स में एग्जीक्यूशन यूनिट्स पहले के कंपैरिजन, पहले सिर्फ 48 ही एग्जीक्यूशन यूनिट्स आते थे मैक्सिमम, अब 96 तक चले गए हैं, और साथ ही उन्होंने ग्राफिक्स की जो GPU की फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज कर दी है, तो उससे ग्राफिकल परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। मैं आगे बेंचमार्क्स में आपको शो करूँगा, प्रूव करूँगा कि किस तरह इंप्रूव हो चुकी है। अब हम कंपेयर करते हैं इंटेल के जो लेटेस्ट जनरेशन है टाइगर लेक को इसके प्रीवियस जनरेशन 10 जनरेशन आइस लेक से, और AMD के टॉप ऑफ द लाइन राइजन 7 4800U से। तो मैंने तीनों के जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोसेसर हैं अपनी अपनी जनरेशन के, चाहे वो इंटेल का 10 जनरेशन हो, इंटेल का 11th हो, और AMD का राइजन 4000 सीरीज का प्रोसेसर हो, तो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स के मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं टाइगर लेक के अंदर में जो सिंगल कोर की फ्रीक्वेंसी है वो 3 GHz हो चुकी है बेस फ्रीक्वेंसी, और टर्बो जो वन कोर है वो 4.8 GHz तक चला गया है, जबकि यही चीज़ अगर हम AMD में देखेंगे तो 1.8 GHz और 4.2 GHz ही है। इसी तरह अगर हम, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा वो है नंबर ऑफ कोर्स में, तो जबकि अभी भी टाइगर लेक में 4 कोर्स ही हैं पहले के जनरेशन के कंपैरिजन में, पहले भी 4 कोर्स ही आते थे, अभी भी 4 कोर हैं, लेकिन AMD राइजन में 8 कोर है। अब ये 8 कोर वो क्यों बना पाएँ, क्योंकि ये लोग 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़। अब यहाँ पे अगर हम GPU की तरफ चलें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एग्जीक्यूशन यूनिट्स का। तो यहाँ पे जैसे पहले के कंपैरिजन, पहले आप देखेंगे सिर्फ 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स थी, पर अब वो उन्होंने वो डबल कर दिया और 96 यूनिट्स हो चुकी हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो मेमोरी है वो लेटेस्ट जनरेशन का DDR4 3200 MHz सपोर्ट करता है, सेम एज राइजन 7। हाँ, यहाँ पे जो एक और डिफरेंस है वो है कैश का, जो L3 कैश है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है अब 12 MB का, और साथ ही में जो PCIe का वर्जन है वो भी 4 हो चुका है, PCIe 4.0। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप SSD वगैरह लगाएंगे, जो आप और चीज़ें लगाएंगे PCIe स्लॉट्स में, वो काफ़ी फास्ट हो जाएंगी कंपेयर टू PCIe 3। अब अगर हम चलें सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस की तरफ, तो हमने Cinebench R20 बेंचमार्क को यहाँ पे लिया है, और आप देख सकते हैं जो इंटेल के पुराने प्रोसेसर्स हैं और जो राइजन के 4000 सीरीज हैं उन सबका स्कोर लगभग 440 से 470 480 के आसपास है, लेकिन जो इंटेल के नए प्रोसेसर्स हैं 1185G5 और 1165G7 उनके अंदर में आपको 12 से 15% का इंक्रीमेंट मिला है। तो सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस में नो डाउट टाइगर लेक विंस ओवर राइजन 7। और मैं कहूँगा अगर जो भी आपके डे टू डे टास्क हैं, जैसे कि अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको 11 जनरेशन टाइगर लेक के अंदर में बेहतर परफॉर्मेंस देखने को ज़रूर मिलेगी। बट होगा ये कि क्योंकि ये इंटेल की तरफ से प्रोसेसर्स हैं तो ये थोड़े प्राइसियर होंगे AMD के कंपैरिजन में, और आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी लैपटॉप खरीदते हुए। अब अगर हम चले मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस की तरफ, हमने इस बार भी बेंचमार्क सेम रखा है Cinebench का R20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछली बार जो इनका टॉप ऑफ द लाइन i7 प्रोसेसर था वो था इनका i7 1065G7। तो उसके अंदर में आप देख सकते हैं जो स्कोर आता है 1744, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% लेस देन 4800U राइजन का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था बहुत ज़्यादा था। आप जैसे आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कोर्स भी आधे के कंपैरिजन में है। इसी तरह अगर आप i7 का दूसरा प्रोसेसर देखें जिसके अंदर में 6 कोर थे, वो है 10710U, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कोर है थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाता है 2400 के आसपास। अब जो नए प्रोसेसर्स आए हैं वो उनका आप स्कोर देखेंगे 2214 और 2034 है, जो कि 1065G7 के कंपैरिजन में जो लास्ट जनरेशन का बेस्ट प्रोसेसर था उससे ज़रूर बेहतर हुआ है, पर अगर आप उसे अभी भी कंपेयर करें तो वो 4500U के कंपैरिजन में आ रहा है, जो कि एक 6 कोर प्रोसेसर है राइजन की तरफ से। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंटेल ने 4 कोर के साथ ही वो आए हैं फिर से, तो जो मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई अगेन। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है या ऐसी आपको एप्लीकेशन रन करनी है जिसके अंदर में मल्टी थ्रेडिंग यूज़ होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको आप राइजन प्रोसेसर्स के साथ ही जाइए, टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स। इवन आप 4500U भी लेंगे जो कि थोड़ा चीपर पड़ जाता है आपको, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है कंपेयर टू आपको इंटेल प्रोसेसर्स, और जो प्राइस डिफरेंस होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड GPU परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने FP32 बेंचमार्क यूज़ किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं जो पुराना जनरेशन था उसका i7 का वो था 1065G7,
वो उसका स्कोर सिर्फ 845 था, तो अगर हम कंपेयर करें उसे 4800U से राइजन के, तो उसका मतलब 50% से भी कम परफॉर्मेंस था। लेकिन यहाँ पे i7 1185G7 और 1165G7 4800U से बेटर भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको 8-15% तक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे क्या हम समराइज कर सकते हैं, वो ये है कि सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस 12-15% इम्प्रूव हुआ है। इवन जो इंटीग्रेटेड जीपीयू परफॉर्मेंस है वो भी 8-10% से 15% के आसपास इम्प्रूव हुआ है। मल्टी थ्रेड अगेन वो लैग कर रहे हैं काफ़ी। तो अगर आपका बजट अच्छा है और आप इंटेल को ही लेना चाहते हैं, तब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको इंटेल के 11th जनरेशन प्रोसेसर्स। बट अदरवाइज़ अगर आप एक थोड़ा चीप मतलब बजट में आप थोड़ा कंस्ट्रेंट है आपका और आप चाहते हैं एक अच्छा मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस, तो मैं आज भी आपको AMD ही रिकमेंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप अपने लिए लैपटॉप चूज़ कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये वाले 11th जनरेशन प्रोसेसर आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए ऑनेस्टी टेक्निकल चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।